यार वो चूसने वाला आम है क्या? नहीं वो नहीं है। वो नहीं है बोला, वो भी नहीं आता है। हैंड्स प्रूफ अभी नहीं आ रहा है। अच्छा बाद में आएगा। अभी बारिश के देखो, आई टोल्ड यू, आप मुझे गाड़ी में घुमाते हैं, मुझे यॉट पे ले जाते हैं यार। अगली बार अभी पता नहीं, कैमरा पे नहीं कहना चाहिए बिकॉज़, बट दिस इज ऑल वी आर सेइंग इट इन फन। यस वी लाइक वी डू रिस्पेक्ट आवर पीएम। किसी ने मोदी जी के साथ मेरी रील एडिट कर दी एंड दैट रील हैड आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी व्यूज, मिलियंस ऑफ व्यूज, और आई डोंट नो हु स्टार्टेड इट, बट देयर इज नथिंग डिसरेस्पेक्टफुल इन दैट, द बेस्ट फॉर यू, वेरी क्यूट वीडियो। या सो मतलब समथिंग टू डू विद डिस्ट्रैक्शन, सो दे पुट माय वीडियो इन दैट। Welcome to the Bombay journey. Hi Sonam. Hi. How are you? Good. We are on Andheri roads. So, कि कोई यहाँ की कहानी हो तो बता सकते हो। Busy जगह से जहाँ भीड़ भाड़, वहाँ पता है तब से traffic jam, horn, ये वो like you couldn't even cross the road. आप रास्ते पे उतरोगे तो ये सब होगा ना, फिर वैसा वाला सीन है। रास्ते पे तो क्या आम खरीद रही थी, मैंगो खरीद रही थी और वहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा नहीं, वो हम आपको ये वाली आपकी जो दुआ ही हम आपको पूरी करवा देंगे आगे। कैसे? मैंने तो ले लिए मैंगोस। नहीं फिर you know, better place. We will get the चूसने वाला मैंगो, so that is the real fun of summer. अभी नहीं आता। नहीं आता क्या? अभी बाद में आता है, मुझे सब पता है कौन सा हम कब आता है। That big a mango lover ना? क्या बात है, क्या बात है। रुको आपको ना क्या है कि आप नॉर्थ इंडिया की क्रश तो हो ही, तो हम आपको महाराष्ट्र और इस तरफ की एक चीज सिखाते हैं, ठीक है? तो आपका वो कैमरा या ये कैमरा जो भी आपको सही लगे, ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट इट, लुक डाउन, लुक अप एंड से जेवलिस्का। जेवलिस्का, जेवलिस्का इसका हाँ, मतलब बताओ। इसका मतलब खाया है, खाना खाया क्या? झूठ, सच्ची माँ कसम। आप लोग अगर झूठ बोल रहे हो तो बता दोगे 1000 कमेंट देके, बट जेन्युइनली तो ये खाना खाया। अच्छा यार पता है यहाँ का रोमांस है। हाँ मतलब बेसिकली लड़की अगर फोन करके आपको पूछती है ना कि खाना खाया, जेवलिस्का, जेवलिस्का, आप एक्शन बोलो। 1 2 3 एक्शन, जेवलिस्का। इसीलिए लोग बोलते हैं भाई आपके मजे हैं, मेरे को कोई नहीं है भाई, ये मेरी नौकरी है, मैं अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनता हूँ। तो ये बताओ मुंबई कब आई थी सबसे पहले, कैसे आना हुआ, क्यों आई और क्या क्या था काम? जब मैं पहली बार बॉम्बे आई, दैट वाज इन आई थिंक 2011 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई हैड अ जॉब हियर विद अ कंपनी। अच्छा, या and I was an air hostess in the oh this is the airline job, theek hai, yeah so I was so you know for us main hum jis jagah se main aati hu hum logon ke liye mumbai jana matlab ek dusri country mein jane jaisa tha, like we couldn't even think aisa tha itna dur hai bombay, itna dur hai, itni badi city hai, jaise kyunki filmon mein jaisi isi baatein karte hain wo sab sunata hai, pahadon se thi na। हाँ मतलब आई वॉज बॉर्न इन यूपी, ठीक है, उत्तराखंड, बिकॉज टेक्निकली नाउ दैट प्लेस इज इन उत्तराखंड, सो आई वॉज बॉर्न देयर, रेज देयर, देन आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई कॉलेज एंड देन आई केम टू बॉम्बे। सो जब मैं यहाँ आई थी तब मैं जॉब कर रही थी, बट ना बैक ऑफ माई हेड आई हैड दिस थिंग दैट इफ आई गो टू बॉम्बे एंड आई टेक अ जॉब, विच आई इनिशियली आई डिडंट वॉन्ट टू टेक दैट जॉब, क्योंकि मुझे लगा कि ना तो कोई दोस्त हैं, इतनी दूर है, कैसे घर वालों से भी लाइक मिलना बहुत दिनों बाद हुआ करेगा। तो द ओनली थिंग दैट एक्साइटेड मी टू टेक अ जॉब इन मुंबई वॉज बिकॉज बचपन से मेरा सपना था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो मुझे लगा कि अगर मैं मुंबई आ गई और जॉब कर ली तो फिर मम्मी पापा को इतना पता नहीं चलेगा ना अगर मैं 10 दिन की छुट्टी लेके मिस इंडिया के लिए अप्लाई करूंगी। हाँ, तो मुंबई आना हाँ, सेट है। सो आई केम, एक साल बाद आई अप्लाइड फॉर मिस इंडिया, मिस इंडिया में रुको एक सेकेंड, कौन सी सेक्टर उड़ती थी आप, लाइक व्हाट वाज योर ट्रैवल रूट? आई वाज इन लाइक प्राइवेट जेट ना, सो आई यूज्ड टू फ्लाई एवरीवेयर, ऑल इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, सब जगह। ओ सो कूल यार। या ओ नाइस, आई वाज वंडरिंग इफ इट वाज अ मुंबई बेस्ड एयरलाइन, देन इट मस्ट हैव बीन जेट और समथिंग, बट देन प्राइवेट जेट। तो फिर आप 2012 में यू एंटर्ड मिस इंडिया, नहीं? या वो क्या रहा, कैसा हुआ? बस मैंने जितनी पूरी शिद्दत से, मेहनत से, डिसिप्लिन से, लाइक आई ट्राइड इन दैट, बट यू नो गॉड हैड अदर प्लान्स। तो जब मैं मिस इंडिया से आई और मैं ऑब्वियसली मैं तो टॉप 10 में भी नहीं थी, हाँ जी, तो उसके बाद आई वाज स्टिल थिंकिंग क्या करना है, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे विद इन तीन चार दिन के बाद ही मुझे कॉल आया मेरी पहली पंजाबी फिल्म के ऑडिशन के लिए, एंड आई हैड नेवर ऑडिशन इन माय लाइफ।
सो आई जस्ट वेंट, आई हर्ड द डायरेक्टर, उसने मुझे बोला ना ऐसे ऐसे फील की ये सिचुएशन है, पिज्जा है, ऐसा है, लेट आता है, आपको गुस्सा करना है. एंड आई वाज लाइक वाओ, ये तो ठीक है, गुस्सा करना है, पिज्जा लेट आया, ये तो हम मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं जिंदगी है. सो आई जस्ट डिड दैट ऑडिशन फॉर फन टू सी. एंड ऑडिशन दिया, मैं नीचे आके गाड़ी में बैठी, एंड देन दे कॉल मी, दिस लाइक डन, यू आर सिलेक्टेड. व्हिच फिल्म वाज दिस? माय फर्स्ट फिल्म विद गिप्पी गरेवाल. या, ओह वाओ. एंड उनको वो फिल्म कनाडा में शूट होनी थी, सो दे वर लाइक आज ही अपना पासपोर्ट भेजिए. उनको एक्चुअली वो लेट हो रहे थे वीजा, अगर वो आज शॉर्टलिस्ट नहीं करते तो उनका जो भी एक्टर होता उसका वीजा ही नहीं आता. सो काम नहीं बनता फिर. हाँ, तो मेरा काम गॉड ने बना दिया. सो नाइस, सो कूल. सो एंड देन या फ्रॉम देयर द जर्नी ऑफ माय एक्टिंग करियर स्टार्टेड. एंड अभी 2 महीने बाद भी जो मेरी फिल्म आनी है कैरी ऑन जट्टा 3, वो भी गिप्पी के साथ. क्या बात है, वो तो फ्रेंचाइजी है बॉस. जी जी जी, उसकी तो अलग फैन फॉलोइंग है. मैंने 1 देखी थी. बाकी वाली हिंदी फिल्मों में ढूंढ रहा था आपको. मैं तेलुगु हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, तो मैं तेलुगु फिल्म में ढूंढ रहा था. मतलब मैं पला बड़ा वहाँ पर हूँ. अच्छा अच्छा, हूँ हरियाणा का वैसे. मुझे थोड़ी हरियाणवी सिखाओ. अच्छा जी, यार देखिए थोड़ी क्रूड सी लैंग्वेज है, बट के करण लग रहा है भाई, के करण लग रहा है भाई. आपको लगता है जो पंजाबी होते हैं अगर वो सीखे तो हरियाणवी सीख जाएंगे? इजी इजी, बिकॉज़ ऑल द हरियाणवी इज स्पीक पंजाबी, दे कैन. हाँ, दे ऑल लाइक, जिनको मैं जानती हूँ वो सब समझते हैं और प्रीटी मच पंजाबी बोलते भी है. But it's a very cool language. I really like. I love it. It's no holds barred. है ना? हाँ. Chilled out. Okay. मुझे ये बताओ, areas कौन से याद है आपको? कहाँ उतरी थी आप? रही कहाँ? मैं सबसे पहले अंधेरी ईस्ट में गई थी. वाह. क्योंकि वो एयरपोर्ट के पास है. Yes, of course. So I went to JB Nagar. I clearly, अभी तो मैं एक्चुअली 4-5 दिन पहले आया है ना, शूट क्लोज टू द एयरपोर्ट एट ITC. तो मैं सोच रही थी कि मुझे वापस उन जगहों पर जाना है, यू नो, वे लाइक व्हेन आई केम व्हेन आई टुक दैट लिटिल अपार्टमेंट ऑन रेंट, तो मुझे वो जाना है. तो सबसे पहली जगह जहाँ मैं गई थी वो था JB Nagar. और उसके बाद से देन आई मूव टू अंधेरी वेस्ट एंड आई हैव बीन हियर. सुपर्ब. अंधेरी ईस्ट मस्ट हैव फेल्ट लाइक होम. जेबी नगर में शेरे पंजाब है, व्हिच हैज बेसिकली लॉट ऑफ पंजाबीज. या तो ये बताओ फिर, जो आपकी ये मिस इंडिया वाली जर्नी है, आई वाज जस्ट टेलिंग माय प्रोड्यूसर कि मिस इंडिया से यार बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज निकली, हमें बड़ा सारा टैलेंट मिला. करेक्ट. तो डिड यू नो कि अभी इसके बाद ये पाथ है सेट और क्या क्या करना है आपको? आपको डिसाइडेड था या फिल्म होने के बाद समझा कुछ? एक्चुअली बचपन में मैं देखती थी कि प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया बनी, फिर मिस वर्ल्ड, उसके बाद वो एक्टर बन गई. सेम फॉर सुष्मिता सेन, देन मतलब ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय. तो एक सेट माइंडसेट होता है ना, और जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना वो बहुत भोले होते हैं. वो जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो सच लगता है. तब तभी तो वो क्रीम का नाम नहीं लूंगी, लोग क्रीम भी लगा देना कि गोरे हो जाएंगे. सो ऐसा मुझे लगा यार यही वे है, मतलब बट एक्टर बन सकते हैं ये, टू बी ऑनेस्ट लाइक दैट वाज अ वेरी फार फेच ड्रीम. तो वो मैं कभी सोचा नहीं था, पर मुझे ऐसा ये जरूर लगता था कि मिस इंडिया बनने के बाद लाइफ बदल जाएगी, यू नो, दैट इज व्हाट आई यूज टू थिंक. और सो बस वही सोच के मुझे लगा कि यार ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए, इट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स, एंड लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स मी आफ्टर दैट. पर अंदर से मुझे ये लगता था दैट यू नो आई विल विन, पता नहीं क्यों, बट मैं नहीं जीती, बट ठीक है, आई वन इन सम अदर एरिया. बट पता नहीं अंदर से वो एक फीलिंग आती थी दैट आई एम अ विनर. तो मैं बहुत रोई बैकस्टेज पे जाके फिर जब नहीं जीती थी, तो आई स्टिल रिमेम्बर. और मैंने 1 month, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कभी भी कोई भी नहीं करे. आई यूज टू जस्ट वेरी ब्लाइंडली फॉलो किसी ने अगर कुछ बता दिया, बिकॉज वही ना, नए नए छोटे शहर से आए हैं, अगर कोई कुछ बात बताएगा तो आपको लगता है कि हाँ. तो मैंने 1 महीने के लिए कार्ब्स नहीं खाए, 1 महीने के लिए मैंने शुगर, नमक कुछ भी नहीं. लाइक आई यूज टू रियली ईट दैट 1 little biscuit थ्रेप्टिन का, और बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड वेजीज, बस यही मेरा खाना होता था. थ्रेप्टिन कितना महंगा बिस्किट होता था. जिस दिन मैं हारी हूँ उस दिन मैंने पूरी प्लेट भर के राइस, दाल मखनी, एंड आई वॉज जस्ट लाइक crying and also eating. वो जो सीन दिखा दे ना फिल्मों में, वाकई में मेरे साथ उस दिन ऐसे. I saw my friend
आपका नाम सोनम केवल नहीं है, सोनम प्रीत है, ये बदलाव कब आया? You know, I don't know if you'll even believe this. So my name obviously Sonam, and my surname, my dad's last name is Bajwa. Okay. So my mom, being that typical Punjabi mom, she goes, मैं तो इसके सोनम के नाम के आगे प्रीत लगाऊंगी. I said why? I said मैं ये सोनम के आगे प्रीत नहीं हो सकता है. हाँ. Because I've never said this on camera. मेरा बचपन में नाम सनोबर था. अच्छा जी, सनोबर. अच्छा. पर मुझे स्कूल में सारे बच्चे सरोवर सरोवर कह के चढ़ाते थे. यू नो व्हाट सरोवर इस गुरुद्वारे में होता है ना, जहाँ वो होली वाटर जो मतलब होता है. सो तो सारे पंजाबी थे ना स्कूल में, तो दे यूज टू कॉल मी सरोवर. और मैं घर पे आके मम्मी से बहुत झगड़ा करती थी कि व्हाई हैव यू नेम्ड मी दिस. एंड देन आई सेड प्लीज चेंज माय नेम. आई थिंक आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. I said, please change my name. My mom comes with two names. Okay. One was Sonal, one was Sonam. She said, okay, दो नाम है, ऐसे ऐसे ही रखना है. अभी you decide which name. I don't know what came to my mind. I said Sonam. She said, okay. Done. Then it was Sonam Bajwa. Then the day my mom and dad had to make my passport, my mom's like, अब ना यहाँ पे प्रीत लगाएंगे. I said, प्रीत क्यों लगाएंगे? She said, क्योंकि पंजाब में. She's like, व्याह तो बाद ना, फिर घर वाले का ना जरा सरनेम वो लगूगा, बट जी प्रीत होगा किसे का भी नहीं लगूगा. डोंट कीप बाजवा, डोंट कीप योर हस्बैंड्स लास्ट नेम इदा ही, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होंगी है पासपोर्ट चेंज कराने जो नाम. सो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे सोनम प्रीत कर दिया. क्या बात. बट माई लास्ट नेम इज बाजवा. एंड देन व्हेन आई ग्रू अप आई वाज लाइक मॉम एवरीबॉडी मेक फन ऑफ मी, सोनम के आगे प्रीत कैसे लग सकता है. मुझे वो आम दिखा इसीलिए मैं तुरंत सट करके इस साइड आया. यार आम वाला कहाँ गया, फ्रूट वाला? ये देखो मुंबई में ऐसा होता है कि वो दूसरा दुकान वाले को उसने वो दिया हुआ है अपना. सो स्वीट. सो नाउ ही विल टेक केयर ऑफ हिज धंधा. यार वो चूसने वाला आम है क्या? नहीं वो नहीं है. वो नहीं है, बोला वो भी नहीं आता है. हैंस प्रूफ अभी नहीं आ रहा. अच्छा बाद में आएगा. अभी बारिश का देखो. आई टोल्ड यू. क्या बात है, हैंस प्रूफ. अभी आपका वर्सोवा रॉक्स आ गया तो क्विक इतनी सुंदर बीच पे वी विल जस्ट गेट डाउन. मैं बताना चाहती हूँ सबको, ये इंटरव्यू जिस समय हो रहा है 3 बज रहे हैं. पौने 3 दोपहर दे 2:30 बजे हैं. नहीं मेरे को देखो, मैं आपको मैं आप लोगों को समझाता हूँ. हाँ. कि जो आप नेक्स्ट विजुअल देखेंगे उसमें आपको समझेगा कितना अच्छा दिख रहा है. अच्छा, ऐसा डेप्थ ऑफ फील्ड मिल रहा है. ओहो, बढ़िया. पीछे ब्लू है. ठीक है. दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, ये मुझे धूप में बीच पे मैंने हील्स पहने हुए हैं और मुझे आप बीच पे ले जा रहे हैं. छाता नहीं लाया आप? छाता भी लाना चाहिए था. बीच वाला आपको था क्या ऑब्सेशन जब आप आई पहली मतलब यू नो दैट इज अ थिंग दैट हैपेंस राइट. सबसे पहले दरिया देखनी होती है. फोन में घूम गया था जू बीच पे. हां गिर गया था पानी में. कैसे ऐसे मतलब घूम रही थी बीच पे. हाँ. और फिर उसके बाद फोन ऐसे रखा हुआ भूल गई. इतना साफ बीच है ये देखे हम. और सन्नाटा है काफी. हाँ. क्योंकि दोपहर के 2:30 बजे कोई नहीं आता. दिखा तो दो बीच. हाँ, में रुको ये आएगा पीछे एंगल. ये एंगल है भाई तेरे को लेना. ये पकड़ना है अपने को. आहा ले ले 2-4 फोटो. इसी के लिए आया था मैं शाम को. हाँ. लेट नाइट अगर आप यहाँ घूमोगे आपको पुलिस भगा देगी. नहीं यहाँ पर लवर्स पैराडाइज है. सब लवर्स बैठते हैं यहाँ पर. तभी तो भगाते हैं. मेरी सारी इनसाइट्स है तो बॉम्बे जर्नी में. अच्छा. हाँ चले. बट शाम का एक्चुअली वुड हैव बीन सो नाइस नो. इफ ऑन अ गुड डे यू कुड सी द सीलिंग. हाँ. राइट नाउ इट्स देयर. आप मुझे गाड़ी में घुमाते हैं, मुझे यॉट पे ले जाते हैं. यार अगली बार अगर ये भाई लोग अपने बहुत हजार कमेंट कर देंगे. हाँ. तो हम आपको यॉट पे ले जाएंगे. कितने कमेंट कर देंगे? 1000. बस प्लीज. मेरे जितने भी फैंस आ इस वीडियो तो जाके तो सी 1000 कमेंट करो. सो दैट आई डोंट हैव टू लाइक ये मुझे बीच पे लेकर गए लेकिन प्रॉपरली बीच पे भी नहीं लेकर गए. कम से कम यॉट होती तो अच्छे से हम लोग करते ना इंटरव्यू भी बीच भी देखते और जाते. क्या बढ़िया एकदम मतलब नेचुरल हवा चल रही है. आपका पूरा ऐसा हीरोइन लुक बन रहा है. मस्त एकदम सही लग रहा है. अच्छा ठीक है. अच्छा तो लग रहा है. बाकी गाड़ी में कंटिन्यू करेंगे. हाँ. क्योंकि फिर आपको उल्टा हवा नहीं अच्छी लगेगी फिर आपको. हाँ ठीक है ठीक है. ये डायरेक्टर साहब को बिल्कुल पता है
कि हवा हीरोइन को ऐसा सामने से आनी चाहिए, पीछे से नहीं आनी चाहिए. और फिर गुड हेड कैन नॉट बिकम बैड हेड आल्सो ना. या या ट्रू. यू कैन डांस आल्सो. पंजाबी गाना लगाओ ना फिर डांस करना है तो. कौन सा गाना है बताओ. पटियाला पैग लगाओ. क्या भूल गया होने. समझ में आ रही क्या बोल रहा है वो. ना आप समझाती चलो. वैसे तो लड़कों की तरह से गाना है. हाँ. तू ते आ क्या भूल गया होने. लैट टू ग्रूव आल्सो. और किसे ते भूल गया होने. एंटा नी सुकाला छड़ीदा. ये तो बड़ा अंग्रेजों वाला डांस कर रहे हैं आप है? But like पैर भी नाच रहे ना. तो ये बताओ फिर एक्टिंग. हाँ. आप यू नो यू गेट सिलेक्टेड सो फास्ट. नर्वस थिंग क्या जब आप पहली बार गई सेट पे. एंड क्योंकि इट इज वेरी एग्जास्परेटिंग. 100-150 लोग खड़े होते हैं. हाँ. तो आप के अंदर क्या चल रहा है और आप कैसे अडेप्ट की और फिर इजी कब हो गया आपके लिए ये सब करना. मुझे लगता है मैं पहली बार जब परफॉर्म करी थी मैं नर्वस नहीं थी. बिकॉज आपको इतना कुछ पता नहीं होता ना. लाइक यू नो दैट नो वन इज रियली लुकिंग एट यू एंड थिंकिंग अबाउट यू एनीथिंग. सो यू डोंट गेट कॉन्शियस. बट व्हेन पीपल्स आर नोइंग यू ओ ये एक्टर है तब आपको लगता है अरे ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं. बट लकीली इन द फर्स्ट फिल्म आई वाज स्टिल लाइक फिगरिंग आउट. नोबडी न्यू मी. सो मुझे नहीं मेरे तो को एक्टर्स को वो लोग देख रहे थे. बिकॉज मेरी पहली फिल्म में गिप्पी थे एंड एक बीनू टल्लो हैं पंजाब के बड़े एक्टर. वो थे सिमरन कौर मुंडी. शी वॉज मिस इंडिया. सो बाकी सब लोग नोन थे. मैं न्यू कमर थी तो मुझे इतने ऐसा नहीं लगता था कि मुझे कोई देख रहा है. आई यूज टू जस्ट लाइक लुक एट एवरी वन. इनफैक्ट आई यूज टू लुक एट एवरी वन and you know try to gauge ki sab kar kaise rahe kya ho raha hai. So you were curious on yeah the very first curious set. Very curious. Then hamare at least Mumbai mein ye kafi chalan chalta hai ki bolte hain ki ek film ke baad struggle khatam nahi hoti. Wo struggle continuous on hai. Aapke sath aisa hua kya. Did you have to figure what next now. एक साल के लिए तो आई डिडंट हैव एनीथिंग. क्योंकि एक तो मैं किसी को जानती नहीं थी. फर्स्ट फिल्म में तो मुझे वाकई में लगता है दैट इट वाज लाइक गॉड वाज काइंड. जो मेरी फर्स्ट फिल्म है उससे मेरी डबिंग जो है वो मैंने नहीं की. ओके. जिन्होंने मेरी डबिंग की वो अनुराग सिंह की वाइफ है. अच्छा जी. जिन्होंने केसरी और पंजाब 1984 काफी पंजाब में जट एंड जूलियट ये सब फिल्में बनाई हैं. तो उनकी वाइफ जब मेरी डबिंग करने गई तो उन्होंने बोला कि एंड देवर कास्टिंग फॉर पंजाब 1984. आई थिंक दे ऑलरेडी हैड एन एक्टर. या दे हैड एन एक्टर ऑन बोर्ड फीमेल एक्टर बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सो दे वर लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शन. सो व्हेन शी वाज डबिंग फॉर माय फर्स्ट फिल्म शी सॉ मी. सो शी रेकमेंडेड माय नेम टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स दैट यू नो लाइक आई सॉ हर वर्क. आई फील लाइक शी रियली फिट्स द पार्ट. सो ऑडिशन हर मीट हर. They called me, they asked me, and you know, even like you see, first film I was not even called for my own dubbing, even though I speak Punjabi very well. मुझे बुलाया नहीं dubbing के लिए. मुझे नहीं पता क्या किस वजह से होता है जो अच्छा हो जाए. See, it was a blessing. Like मैं बैठ के बुरा feel कर रही थी कि मुझे dubbing के लिए नहीं बुलाया यार. मैं तो अच्छी पंजाबी बोलती हूँ. बट आई डोंट नो वॉट दे थॉट बट देयर इट टर्न इन टू अ ब्लेसिंग. सो दैट्स आई थिंक आई रियली ट्रस्ट गॉड वेन थिंग्स डोंट वर्क आउट. बिकॉज जो भी होता है लाइक अच्छे के लिए. अच्छे के लिए. आपके पास हैप्पी न्यू ईयर भी आई थी. आप काफी बातें भी हो गई थी बोलते हैं. हाँ मैंने उसके लिए ऑडिशन भी दिया था. एंड यू नो व्हाट सो स्पेशल आई रिमेम्बर तब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी. एंड मेरे मॉम आए हुए थे मेरे पास रहने के लिए. और बिल्कुल बारिश का सीजन था. मतलब आप यू नो मुंबई की बारिश. यस ऑफ कोर्स. हां जी. एंड आई न्यू दैट उन्होंने ऑडिशन में लाइक सीन भी करवाया था. वो वाला सीन करवाया था. इजी लगता है मोहिनी का डांस. इजी नहीं है यू नो. सो एक वो सीन तो डेफिनेटली करवाया था मुझे याद है. और एक शायद एक और सीन भी कराया था. और डांस देखने के लिए उन्होंने चिकनी चमेली पे डांस करवाया था. सो आई गॉट एन आउटफिट रेडी फॉर चिकनी चमेली डांस. और जो कपड़े पहन के मैं घर से गई उसने मुझे सीन परफॉर्म करना था. बट इतनी तेज बारिश हो रही थी एंड आई थिंक माय ऑडिशन वाज इन बांद्रा एंड आई यूज्ड टू लिव इन अंधेरी. ओके.
मतलब बांद्रा पहुंचते पहुंचते तक इवन विद दोस ब्लाइंडर्स ऑन द साइड्स पूरे मेरी मॉम और मैं हम दोनों पूरे भीग गए थे एंड यू नो आई फेल्ट सो बैड दैट माय मॉम विद दोस क्लोथ्स ओनली लाइक पूरे कपड़े गीले हो गए एंड शी वाज सो पेशेंटली वेटिंग फॉर माय ऑडिशन टू फिनिश एंड आई मीन दैट audition that day will still be so so special for me because my the only time my mom has ever seen me or she was with me for any audition it was that then do you look at aap as a happy new year aise baith ke dekh rahi thi kya ki deepika padukone ne kya kya acha acha kiya dekho nahi maine dekhi nahi hai aapne dekhi nahi happy new year nahi oh that's what it did to you nahi not in that sense but pata nahi kyun nahi dekhi kabhi kabhi hota hai na film mein miss ho jati hain but yes jab unka wo dialogue bahut famous hua eg lagta hai mohini ka dance to I related because even that when I was auditioning for that, it did stand out that line dance easy nahi hai dance ek art hai art to so har artist apne style mein karta hai na I can't remember how I was doing it but then while reading that scene while performing I knew it's like oh it's fun it's cute so yeah. that also became quite popular that nahi ye jo aap Punjab 1984 ki baat kar rahi ho wo bhi to ek bahut badi scale ki film hai ha ये लो अभी आप कैमरे पे आ गए ठीक है अभी देखना YouTube पे बॉम्बे जर्नी थैंक यू पंजाब 1984 वाज वेरी बिग स्केल यार इट वाज अ मैसिव फिल्म पीरियड ड्रामा उसमें मतलब इवन द कॉस्ट्यूम्स आर वेरी वेरी ऑन पॉइंट एकदम ऑथेंटिक था फिर ये जो आप साउथ वाली फिल्में कर रही हो वो कहां से होता है नहीं जब मैंने अपनी फर्स्ट तमिल फिल्म की थी जब It was my second film. जो मेरी तमिल पहली फिल्म है वो मेरी सेकेंड थी मैं तमिल फिल्म के सेट पे थी जब मुझे 1984 के लिए कॉल आया था तो यू नो उस फिल्म की मैंने शूट की वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया एंड साउथ में अब पता नहीं बट उस समय तो एक फिल्म को बनाने के लिए चार स्केड्यूल पांच स्केड्यूल लाइक यू नो दे शूट इट लाइक दैट इन पंजाब वी जस्ट शूट द फिल्म इन वन स्केड्यूल नहीं मतलब गाना वाना अलग शेड्यूल करते होंगे ना No, very rarely. Like usually our films we start and then like start to नहीं, finish. नहीं south की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ south में multiple schedules होते हैं because I think the I don't know like here every artist in Punjab we like to start and then finish one project and then go for. और आप लोग क्या 30-40 दिन वाला schedule? हाँ कुछ कुछ फिल्मों को 50-55 days भी लगे हैं and I've heard their films which are made in like 60-70 days also but mostly we finish in 40 days max. So nice. Yeah. सो फर्स्ट तमिल फिल्म शूट की उसका ऑडिशन भी मैंने दिया था जुहू में एंड द डायरेक्टर स्टार्टेड शूटिंग विद सम अदर एक्टर बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मुझे ये फिल्म करनी है हाँ फिर वो डायरेक्टर ने एक हफ्ते वो एक्टर के साथ शूट किया ही वाज लाइक नो आई रियली वांट सोनम ओनली बिकॉज एक होता ना आपने किसी को ऑडिशन लिया आपके माइंड में बैठ जाता है यू वुड नो एज अ डायरेक्टर He was just not happy. I don't know who the other girl was, but he was just not happy. He really wanted me in that film. It started raining. आपने इतनी अपनी गर्मी की वो की. Oh, but अच्छा है ना, we'll see rain man. So, and then I went to shoot that film. इतने schedules हुए उस film के. ये project to project है, पता है? कई बार ऐसा नहीं होता. South में भी एक बंद करते हैं. उसके बाद फिर मैंने 1984 की and then I became so busy in Punjab. That I didn't get a chance to act in any South film. एक तेलुगु फिल्म का भी क्रेडिट है। चार साल बाद I did one Telugu film. That's you it. Want to do more South Indian cinema? Yeah, why not? Yeah, yeah, of course. तो अभी कहाँ कहाँ दिखने वाली हो मैं? अभी 26 मई को मेरी एक फिल्म आ रही है उसका नाम है गोडे गोडे चा Do you know what that means? गोडे या नो आर नीज ओके बिकॉज़ हरियाणवी ना यार गोडो गोडो में तो दर्द होता है दादी को सबसे ज्यादा और चा What is गोडे गोडे चा फोर नहीं चा चाय गैस गोडे गोडे चा अरे यार कभी आपने वो बोली नहीं सुनी मुंडे दी दादी नू गोडे गोडे चा मुंडे आधे कभी गान नहीं था गाना ये वो वाला है ना जो शादी में करते हैं चा मींस एक्साइटमेंट ओ एक्साइटमेंट है हां शिट मैं पंजाबी फोक्स आर गोना कम एट मी सो बैड आफ्टर दिस किन्ना चा चढ़या ये आपने कभी नहीं सुना कि इनू किन्ना चा चढ़या मुझे जाना पड़ेगा पंजाब एक्साइटेड इसको कितना एक्साइटमेंट है सो गोडे गोडे चा इज कमिंग ऑन 26th of May wow. and then 29th of June is Carry On Jatta 3 आपके बारे में मेरे को एक और इंटरेस्टिंग सवाल है ये सवाल मैंने कभी किसी को नहीं पूछा रहेगा यार मैंने आपकी रील्स तो देखी हैं ठीक है हाँ, और फिर मैं जब नॉर्थ में लैंड करता हूँ तो आपके बिलबोर्ड भी दिख जाते हैं आप हर चौथी होर्डिंग पे आप होती हो बट मैंने एक रील देखी
एक बीवी आके के आदमी को मार रही है क्योंकि वो आपकी रील्स से ऑब्सेस्ड है, वो सिर्फ सोनम बाजवा की रील्स देख रहा है. हैव यू सीन दोस? या यू नो दिस फैंस, दिस पीपल आर सो क्यूट, दे एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ रील्स. और पता है सबसे पहले ये शुरुआत कहां से हुई? नहीं आईडिया. किसी ने रील बनाई, अभी पता नहीं कैमरा पे नहीं कहना चाहिए बिकॉज, बट दिस इज ऑल वी आर सेइंग इट इन फन. वी लाइक वी डू रिस्पेक्ट आवर पीएम. किसी ने मोदी जी के साथ मेरी रील एडिट कर दी एंड दैट रील हैड आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी व्यूज, मिलियंस ऑफ व्यूज. और आई डोंट नो हु स्टार्टेड इट, बट देयर इज नथिंग डिसरेस्पेक्टफुल इन दैट, द बेस्ट फॉर यू, वेरी क्यूट वीडियो. या सो समथिंग टू डू विद डिस्ट्रैक्शन, सो दे पुट माय वीडियो इन दैट. And I was shocked to see, I was like, ये किसने बनाया ये video? And then from there, so many other videos came out and so many of these digital creators make those cute reels. Reaction reels. हाँ, reaction reels और काफी सारा. So आपने already एक बार बताया, but like आप उत्तराखंड में पहाड़ों में पली बड़ी, तो schooling वहीं हुई. जी. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी. फिर उसके बाद मैं दिल्ली आई कॉलेज के लिए और फिर मैं बॉम्बे आई काम के लिए. रुको रुको, तो क्या पढ़ाई की थी आपने? English honors. Wow, were you and economics? I was padhaku, but just see now the stupidity that I did. I was a science student. और मैंने फिर economics ले ली और मुझे कुछ समझ में नहीं आता. And you know मेरी coaching होती थी गुड़गांव में, हरियाणवी दो तीन लड़के भी आते थे, वो क्या बोलते थे क्या करते थे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. हम सब एक ही क्लास में होते थे, लाइक समटाइम्स यू नो द टीचर वुड ट्राई टू एक्सप्लेन मी बिकॉज ही 11th और 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है एंड देन यू आर स्टडिंग इट इन ग्रेजुएशन, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. लाइक आई जस्ट थॉट आई वुड फेल फॉर श्योर, बट ठीक है मैं थोड़ा पास हो गई बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी श्योर कि तुम्हें ठीक है तुम्हें जो भी करना है लेकिन पढ़ाई तो मैं ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी बिकॉज माई पेरेंट्स बोथ ऑफ देम आर लाइक डबल एम ए एंड ऑल ऑफ दैट. सो माई ब्रदर्स एन इंजीनियर, सो दे सेड ग्रेजुएशन तो करो, मतलब कि बेसिक है. ये बताओ, डू यू हैव एनी फेवरेट मुंबई स्लैंग्स और एनी फेवरेट स्लैंग्स दैट आर गो टू वर्ड्स? फेवरेट स्लैंग्स तो मेरे मुंबई के तो नहीं है, पंजाबी के हो सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल बताओ स्लैंग्स थी ऐसे तो कैटा वदिया सिरा ये सब है पंजाबी स्लैंग्स. आई वुड नो मोर अबाउट पंजाबी स्लैंग्स देन बॉम्बे. बॉम्बे का स्लैंग मुझे बताओ कोई. रिमटाके इज वेरी गुड. आई हैव हर्ड दैट. रिमटाके मींस झटपट. झटपट हां मतलब जल्दी जल्दी पहुंचा दे. रिमटाके पहुंचा दे. हां आर यू श्योर? या या 100% या रिमटाके हां. जैसे टापा टाप नहीं बोलते अपने टैक्सी वाले नॉर्थ में, टापा टाप. बढ़िया हाईवे बन गया, टापा टाप चलेंगे. वैसे वैसे okay. और कुछ हमको भी नए सीखने पड़ेंगे. बिल्ला आदमी मींस मस्त आदमी. बिल्ला आदमी इसका हैदराबादी वर्जन भी सिखा सकता हूँ मैं आपको. किराक आदमी. पर पता है मैंने कभी बिल्ला आदमी नहीं सुना. मैं नॉर्थ से हूँ, मैंने नहीं सुना. ये नॉर्थ का नहीं, ये मुंबई का है. बिल्ला आदमी. I love that. Maybe I'll use that in some film. मेरे को Divine भाई ने सिखाया. हाँ. हाँ अरे एक नंबर. बिल्ला आदमी है. एक नंबर बच्ची. एक नंबर बच्ची. एक नंबर बच्ची. हाँ. Okay. कैसा लगा आपको? ढाबा. Very nice. मजा आया? बहुत मजा आया. You got such beautiful light falling on your face right now. Right? Just do that. Wow. For thumbnail. Oh wow. Perfect. नहीं ऐसे नहीं. हाँ. You know my friends also they make fun of me like when they because all my reels are in slow mo. हाँ. अब मैं क्या करूँ? मुझे slow mo like that is my style. Like yeah. Yeah. And you know like they're so shameless. They'll take out my reel, okay? And you know in slow motion like I'm looking into the lens and all. They really take my case on that. कि देख कि क्या कर रही है? Look at her. So they embarrass me. I'm sure that's what friends are for. Thank you friends. आप लोगों का यही काम है. देखो मेरे पास ना आधा पौना पेज के सवाल और बच रहे, तो आप इनको वापस अगर चाहते हो बॉम्बे जर्नी पे, तो आपने पता ही है आपको 2-3 चीजों के लिए 1000 कमेंट. तो जब आप वो 1000 कमेंट करोगे ना, जो जो चीजें उनके बारे में बता देना, फिर हम यॉट पे करेंगे. वी विल लॉन्च द बॉम्बे जर्नी यॉट एडिशन विद सोनम. या या लेट्स डू दैट. यस डन. चलो दिस वाज द बॉम्बे जर्नी इनसाइड साइनिंग ऑफ. बाय गाइस. बाय गाइस.